जब भी इम्यून सिस्टम की बात होती है तो हम सबसे पहले ओमेगा थ्री को जो है उतना ज़्यादा काउंट नहीं करते हैं और ओमेगा थ्री की जो है उतनी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। इम्यून सिस्टम की बहुत लंबी लंबी सी बातें जो हो जाती है, लेकिन जो क्रिटिकल कंपोनेंट है ओमेगा थ्री एसिड, जिसके बारे में ज़्यादा जो है कोई भी बातें नहीं करता है। लेकिन जब भी हम कोई भी फूड लेते हैं या कोई भी हेल्थी या बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसमें ओमेगा थ्री का जो है एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे बॉडी के लिए प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि एक अच्छे अमाउंट में कैलोरी प्रोवाइड करना, जैसे कि हमारा बॉडी जो है जितना एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है तो ओमेगा थ्री एसिड से जो है वो हमें एनर्जी मिल जाती है। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो भी हार्ट फंक्शन होते हैं उसको बूस्ट करने के लिए, जो भी साइकोलॉजिकल हेल्थ होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसीजन लेते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, हमारे लंग्स जो है उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए, इसके अलावा जितने भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है उनसे फाइट करने के लिए ओमेगा थ्री जो है बहुत ही एक क्रिटिकल कंपोनेंट है हमारे डाइट का। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आखिर ओमेगा थ्री जो है वो किन पांच फूडों से जो है आपको मिल सकता है ताकि आपकी जो है इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाए, तो एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला नंबर है वो है सीड्स का, फ्लैक्स सीड्स और सिया सीड्स। ये दो ऐसे हैं जिनमें जो है हाई अमाउंट ऑफ ओमेगा थ्री फैटी एसिड मिलता है, और ये एसिड जो होते हैं, ये सीड्स जो होते हैं, बिल्कुल इसके अलावा जो है आयरन मैग्नीशियम फाइबर से भरे होते हैं, जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल से, इसके अलावा जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है उसमें जो भी हार्मफुल रेडिएशन, जो भी जो रेडिकल चीज़ें होती है उनको, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो सीड्स होते हैं जो कि जिनमें ओमेगा थ्री एसिड निकलता है, ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तो इसलिए अपने डाइट में जो है ये फ्लैक्स सीड्स या सिया सीड्स को जो है आप इंक्लूड कर सकते हो, रॉ मटेरियल में नहीं, लेकिन आप इनके जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनको जो है आप कंज्यूम कर सकते हो अपने डेली डाइट में। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो आता है वालनट, यानी कि अखरोट। अखरोट में आप देखोगे कि बहुत ही हाईली अमाउंट में ओमेगा थ्री फैटी एसिड पाया जाता है, कि जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ही हेल्थी होता है, और इसके अलावा जो है ये एपेटेटिक जो भी होता है उसको रिड्यूस करने में जो है काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो भी अखरोट होता है उसमें आपको मोनोसेचुरेटेड फैट जो है वो मिलता है, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करने में बहुत ही मददगार साबित होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस रखने के लिए, वो भी जो है गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है, और साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो रखता है। तो अगर आप अपनी डाइट में से इंक्लूड कर सकते हैं वालनट को तो ये भी जो है एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है ओमेगा थ्री की, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। जो तीसरे नंबर बात है वो है फिश। फिश अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है तो फिश बहुत ही अच्छा सोर्स है ओमेगा थ्री का। ओमेगा थ्री एसिड जो होता है फिश में बहुत ही हाई अमाउंट में मिलता है, जैसे कि सालमन जैसे फिश हो गए उनमें ओमेगा थ्री जो है बहुत ही हाई अमाउंट में रहता है, और ये जितने वैरायटी का आप फिश लेंगे उसमें रिच अमाउंट में प्रोटीन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। ये जो है आपके मसल रिकवरी में, अगर आप डेली जिम जाते हैं तो आपको जो है फिश का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी टूना फिश होती है आपको रिकवरी में बहुत ज़्यादा मदद जो है वो करती हैं। इसके अलावा जो है जितना हार्ट डिजीज़ का रिस्क होता है इसको भी जो है वो दूर करती हैं, और फिश में इसके अलावा आपको विटामिन B12 और विटामिन डी भी मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा जो है आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। तो अगर आप डेली बेसिस पे तो नहीं ले सकते, लेकिन वीक में अगर एक बार दो बार भी जो है आप फिश को इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में तो ये जो है आपके इम्यूनिटी के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है एक मददगार साबित होगा। नंबर चार पे आता है सोयाबीन। ओमेगा थ्री के अलावा अगर आप सोयाबीन में देखोगे तो ओमेगा थ्री तो आपको पता है कि कितना महत्वपूर्ण है इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, लेकिन इसके अलावा देखोगे तो सोयाबीन में आपको फाइबर और प्रोटीन भी जो है बहुत हाई अमाउंट में मिलते हैं, और ये सोयाबीन जो है आपके ना सिर्फ इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आपके जितने भी हार्ट डिजीज़ होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, जो हार्ट का हेल्थ होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप जो है सोयाबीन रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं, सुबह सुबह जो है आप सोयाबीन के दाने जो है वो खा सकते हैं, बॉयल कर रात भर जो है आप उसे छोड़ सकते हैं पानी में डाल के और सुबह जो उसे खा सकते हैं। इसके अलावा जो भी सोयाबीन के प्रोडक्ट होते हैं उसे भी जो है आप यूज़ कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है ओमेगा थ्री का। इसके साथ साथ आपको फाइबर मिलेगा और प्रोटीन मिलेगा, जो कि आपके ना केवल इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, इसके अलावा जो आपका हार्ट डिजीज से जो है वो काफ़ी बचा के रखेगा। तो जो लास्ट एंड फिफ्थ है वो है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज में आप देखोगे कि ना केवल ओमेगा थ्री तो मिलता ही है, बल्कि इसके अलावा आप देखोगे कि इसमें कैलोरी भी बहुत लो अमाउंट में रहता है, और ये जो ब्लूबेरीज होते हैं ना पूरे ऑक्सीडेंट से जो है ये भरे होते हैं, तो ये ऑक्सीडेंट जो है आपको जितना भी हार्ट डिजीज़ का रिस्क होता है उसको कम करता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होता है, और साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी जो है वो नियंत्रित में रखता है। तो ब्लूबेरीज का सेवन करना
बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हालांकि ये हमेशा नहीं मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं आप इनका जो है ज़रूर उपयोग करें, क्योंकि ये केवल ना ओमेगा थ्री आपको देते हैं बल्कि आपको जो है कैलोरी में भी बहुत लो होते हैं, जिससे जो है आपको हार्ट डिजीज में काफ़ी मदद मिलता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने में काफ़ी मदद मिलता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलता है। तो यहाँ पे हमने पांच ऐसे चीज़ें जो है वो देखी, पांच ऐसे फूड्स देखे जो कि आप नॉर्मल लाइफ में जो है इंक्लूड कर सकते हो, और ये अपने डाइट में अगर आप इंक्लूड करते हो तो ये तो अपना इम्यूनिटी बूस्ट होगा, इसके अलावा हार्ट डिजीज से लेकर मेंटल डिजीज, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल में रहेंगी। और ये अब जो पाँच बेस्ट सोर्स हैं ओमेगा थ्री के भी बहुत अच्छे स्रोत हैं, जहाँ से जिससे जो है आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है। तो आशा करते हैं वीडियो को अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियो का अपडेट जो है आगे भी मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगले वीडियो में।